नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने कमाल कर दिया। 1 लाख की लिमिट थी और 4,08,000 कर दिया, मतलब कि 3,08,000 लिमिट वन टाइम में ही इंक्रीज कर दिया। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक का लाइफ प्रूफ कि 1 लाख से 4,08,000 लिमिट कैसे हो गया और आपकी लिमिट कैसे इंक्रीज होगी। इस वीडियो में आपको हम सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने हमारे व्यूवर्स का 1 लाख का लिमिट था उसको 4,08,000 कर दिया, मतलब कि 3,08,000 इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे ये प्राइवेट बैंक है और इतना हाई लिमिट करना भाई तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे अब सवाल ये है कि हमारा लिमिट तो लो है, ये इंक्रीज नहीं होता है। 50,000, 60,000, 70,000 इस तरह से हमारा लिमिट इंक्रीज होता है। आखिर इतना लिमिट कैसे कर दिया, क्या कोई ऐसा तरीका कोई जुगाड़ था? दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोटक महिंद्रा बैंक आप यूज करते हैं तो उस क्रेडिट कार्ड से आप जो भी लिमिट है आप उसे खर्च करें। खर्च करने के बाद 6 महीने के अंदर अगर आप बैंक को ईमेल या कॉलिंग करते हैं तो हर 6 महीने के बाद आपका लिमिट इन्हेंसमेंट का रिक्वेस्ट ले लिया जाता है और आपकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाता है, कोई अगर आपका लोन नहीं चल रहा है तो। यहाँ पे फ्रेंड कार्ड को कुछ लोग टाइम से और अच्छे से यूज नहीं करते हैं और कोसते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक हमारे कार्ड की लिमिट को इंक्रीज नहीं करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कार्ड को अच्छे से यूज करना सीखिए और ऐसा नहीं है कि कार्ड से सिर्फ पैसे ऐड नहीं करो, बैंक में ट्रांसफर करो। कार्ड को हमेशा मल्टीपल यूज करो, आपकी लिमिट इंक्रीज होगी अगर आपकी कार्ड की लिमिट कम है। So, यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस का अकाउंट खोल के रखें, कोई पैसा मेंटेनेंस करना नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपके पास कोई अदर अकाउंट है, एक या दो ही है, तो आप जीरो वाला अकाउंट ओपन जरूर कर लें, बहुत बढ़िया चीज है। ट्रांजेक्शन के लिए, ऑनलाइन UPI के लिए, सारे लिए बढ़िया काम है। आप अगर किसी को पैसे भेजते हैं तो आपका जो बैंकिंग नेम है, बेनिफिशियरी नेम है, वो खुद ही आ जाता है। तो काफी बढ़िया सिस्टम है इस अकाउंट में। तो ये अकाउंट खोलने के बाद थोड़ा ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको ऑफर आ जाएगा और इनका जो लिमिट था 1 लाख था, आज 4,08,000 हो गया। तो अभी इसमें और लिमिट इंक्रीज हो सकती है, ओनली इनका रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शन काफी बढ़िया था, सिर्फ भी ठीक ठाक था। तो आप लोग भी इस तरह से काम कीजिए, आपकी लिमिट कभी जो है डिक्रीज न होकर इंक्रीज ही होगी। और कोशिश करके जितना हो सके बार बार क्रेडिट कार्ड लोन अप्लाई कम करो, इंक्वायरियां मत आने दो, बैंक खुद ही आपको सामने से ऑफर करेगा। बैंक चाहता है खुद हमारे कस्टमर का लिमिट इंक्रीज हो, बट कस्टमर लोग गलतियां पे गलतियां करते रहते हैं। तो प्लीज आप लोग इस बातों को ध्यान देते हुए इस काम को करिएगा, आपको दिक्कत कभी नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेडू साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।